बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, रहमानी न्यूज़ HT की जानिब से प्रोग्राम फिल्म सितारे लेकर। हमारे आज की स्टार हैं आलिया बेगम। आलिया के बारे में मशहूर है कि एक शख्स आलिया को लेकर स्टूडियो पहुंचा और डायरेक्टर साहब की मिन्नत समाजत की कि इस लड़की को काम दें। हदायतकार ने आलिया को सर से पांव तक देखा और कहा, ये लड़की कभी हीरोइन नहीं बन सकती। उसने कहूँ क्योंकि आलिया का रंग सांवला सलोना और शक्ल भी दरमियानी थी, यही वजह है कि हदायतकार ने इसको धत्कार दिया। लेकिन खुदा की करनी कि वही लड़की जिसको स्टूडियो से धत्कार कर निकाला गया था, जिसको कहा गया था कि इस लड़की में अदाकारी के जरासीम का फुकदान है और ये लड़की इस काबिल नहीं कि इसे चांस दिया जाए, रवायती हुस्न जमाल, दरमियानी शक्ल सूरत, ये लड़की जिसके खदो खाल और आउटलुक भी दरमियानी थी, उसने अपने काम, लगन और सुचल अदाकारी से वो मकबूलियत हासिल की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब अल्लाह ताला की देन हैं। आलिया के अलावा हमारे अदाकार रंगीला और सुल्तानी ने भी आम सी रंगत और नॉर्मल शक्ल सूरत के साथ वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल नामुमकिन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी अगर चाय वाले खोखे से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इमरान खान एक आम से ख़ानदान से इंटरनेशनल क्रिकेटर और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, तो रंगीला, सुल्तान राही, आलिया वगैरह दरमियाने शक्ल के होने के होते हुए क्यों सुपरस्टार नहीं बन सकते। बहरहाल असल मौजू की तरफ आते हैं। आलिया ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो फिल्मों में अदाकारी, डांस और मौसीकी को ख़ास अहमियत दी जाती थी, यानी मौसीकी और अदाकारी अपने अरूज पर थी, लेकिन डांस के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री में कोई आला पाए की अदाकारा नहीं थी। एमी, मी वाला और पन्ना वगैरह डाल चुकी थी, जिन्हें डांस की मलका कहा जाता था वो डाल चुकी थी। उनके बाद डांस का शो में खला पैदा हो चुका था, लेकिन फिर फरीदा, छमछम, नगो और आलिया की सूरत में वो सितारे चमके जिन्होंने उजड़ती हुई यूनिवर्सिटी में रोशनी बख्शी। फरीदा, छमछम, नगो की निस्बत आलिया के चेहरे का हुसन, अदाकारी के जरासीम कुछ ज़्यादा थे, यही वजह थी जिसकी बिना पर आलिया इन डांसरों की सफ से निकलकर हीरों की सफ में शामिल हो गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आलिया का शुमार बेहतरीन डांसरों में होता है, क्योंकि आलिया के डांस की वजह से डेरों गाने अमर हो गए। हदायतकार हैदर चौधरी की रोटी का एक गाना, गल जुल्फ दी नहीं रुखसार दी नहीं, इस गाने पर चार डांसर थीं, लेकिन जब आलिया स्क्रीन पर नमूदार होती हैं तो हाल खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर देता है। ये थी आलिया की मकबूलियत। इसी तरह फिल्म नई लैला नया मजनू में एक गाना था, दिल दिल से मिले फूल खिले प्यार मिला है, आई गड़ी बहार के दिलदार मिला है, माला की आवाज़ में ये गाना नगो और आलिया पर पिक्चराइज हुआ। आलिया ने कमाल किया, सच है कि नगो भी पीछे ना रहीं, कमाल का ये गीत था। आलिया में फनकाराना सलाहियतें कूट कूट का भरी हुई थी और वो हर किस्म का करता, चाहे शोक चंचल का हो, दुशीजा का हो, बेबस मजबूर बहन का हो या फिर नकाम आशिका का, वो बखूबी करती थी। अगर किरदार किसी दिमाग का हो तो वो उसे पिक्चराइज को आते हुए अपने जिस्म के एजा का इस्तेमाल आंखों में आंसू लिए हुए ऐसी फनी महारत से करती कि हाल में बैठे हुए फिल्म बिनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे शबाज करे परवाज, जाने राज दिला दे, जिंदे रहते लाल कलंदर आन मिलेंगे, हुसैनी लाल कलंदर,
नबी दी आल कलंदर मेरे गम खार कलं बहुत अच्छी है मतलब ना थी। फिर इस तरह दी रानी माँ दे मामा आसू बिल्ला बिल्ला चैम्पियन वगैरह ऐसे में हैं जो आलिया की दमालों की वजह से पसंद की गई। आलिया के फिल्मी सफ़र में पागल का किरदार बड़ी अहमियत रखता है। उसने जो किरदार जुर्म दा बदला में कर दिया वो कोई ना कर सकता है ना कर सका ना करेगा। हालांकि नामवर हीरो सुफिया खानम ने फिल्म नाजी में पागल का रोल किया। बहुत बड़ी अदाकारा शबनम ने फिल्म चंदा में पागल का रोल किया। फरदौस जैसी सफ़ी अव्वल की हीरोइन ने इश्क दीवाना में पगली का रोल किया। संगीता ने जट माजेदा में पागल लड़की का रोल किया। लेकिन आलिया के सामने ये सब रोल बेकार, आलिया का रोल जो है वो इन सब को पीछे छोड़ गया। यानी आलिया लीड लेकिन सब हीरो से बहुत बड़ा रोल था। जब वो कहती हैं फिल्म जुर्म दा बदला में जो भी होगी सह लवांगी, मौत के नाल भी खह लवांगी, क्या बात थी। फिर रज रज के तमाला पावा दिल दे चा अज लावा वैलियां दे मान टुट गए। फिर गाना था अथरे गरूर वाला नशा अज लह गया, टुट गए ने मान सारे नचना भी पै गया। फिर वो मौला जट में जब कहती हैं वे अज जालमा मैं नचांगी जरूर, तो फिल्म फुल अरूज पर शुरू आगाज से ही फिल्म जोबन पर होती है। आलिया ने ऐसा डांस किया और वो ऐसे सीन थे, कमाल के सीन थे वो। हदायतकार एम अकरम की एक फिल्म थी तेरे इश्क नचाया, उसमें आलिया ने सांप गले में डालकर एक गाना छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया पिक्चराइज करवाया। ऐसा गाना ऐसी अदाकारी, आलिया ज़रा परेशान ना हुई सांप से, उन्होंने पिक्चराइज करा। हालांकि बड़ी बड़ी हिरोइनें ये गाना देखने की शक्त नहीं रखती थी जो आलिया ने अपने ऊपर पिक्चराइज करवाया। आलिया ने दूसरी हिरोइनों की नस्बत बहन और तौइफ के किरदार कदरे ज़्यादा किए। जैसे तौइफ के किरदार में गुल बगौली, इंतकाम, चन्नवीर, सस्सी पुन्नू, दुनिया पैसे दी, यमला जट, वीर प्यारा, खजानची वगैरह। और बहन के किरदारों वाली फिल्म में बशीरा, बशीरा में सुल्तान की बहन बनी, ऐसी बनी कि उसका लेबल लग गया, मोहर लग गई, ठप लग गई कि ये बहन के किरदार ही करेगी। यूसुफ खान के साथ आलिया ने 10 फिल्मों में बहन का किरदार अदा किया, जैसे बदला, देश मेरा, जीदारा दा, बाबल, गैरत दा निशान वगैरह, दौलत गैरत और चन्नवीर में आलिया हबीब की बहन बनी, इश्क दीवाना में कैफी की बहन बनी, दामन और चिंगारी में जेबा की बहन बनी। यानी कि बहन वाली फिल्मों की लाइन शुरू हो गई। आलिया का एक और किरदार जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे नुमाया है वो इज्जत लुटाने का है। ये किरदार ऐसी बोली बाली और मासूम लड़की का होता था जो विलन की बातों और बहकावे में आकर अपनी इज्जत गवा बैठती है, और यही किरदार फिल्म की हाईलाइट होता था। यानी पूरी फिल्म का महवर आलिया होती थी। ऐसी फिल्मों में आंदालीप, जेंटलमैन, निके हुंदियां दा प्यार, दामन और चिंगारी, मेरी धरती मेरा प्यार, जुल्म दा बदला वगैरह। आलिया ने अपने दौर में सभी हीरो के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इकबाल की हीरोइन बनी। 30 के ऊपर दोनों की इकट्ठी फिल्में हैं। उसके बाद यूसुफ खान के साथ भी 20 के करीब आलिया और यूसुफ खान फिल्में हैं। कैफी के साथ कैफी की हीरोइन बनी, तंजीम हसन की हीरोइन बनी, सुल्तान राय की हीरोइन बनी, लाला सुधीर की हीरोइन बनी, या अफसर खान की हीरोइन बनी। यानी सभी हीरो की तकरीबन वो हीरोइन बनी। आलिया ने लगभग 200 के करीब पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया। यंग टू ओल्ड किरदार करने के लिए दोबारा आई, लेकिन बहार, नगमा, रहीला आगा ने उनके पैर ना जमने दिए, क्योंकि बहार एड़ियाँ उठा उठा कर बोलती थी। रहीला आगा ने अपना वॉल्यूम इतना ऊंचा किया हुआ था कि उसकी आवाज़ को छूना किसी के बस की बात ना थी। नगमा भी छाई हुई थी, लिहाजा 3-4 फिल्मों काला गुज्जर, सुहागन वगैरह के बाद आलिया घर बैठ गई। आलिया ने अपने अरूज के दौर में अदायतकार अल्ताफ हुसैन से शादी की, लेकिन ये शादी अली जेब, सबिया संतोष,
रोबन गोश और शबनम की तरह कामयाब ना हुई, बल्कि मोहसन खां, रीना राय, नूर जहां, इजाज़, डॉक्टर अनवर, राबिया रानी की तरह तलाक पर ख़त्म हुई। सुना है आलिया बेगम आजकल चकवाल में नए शोहर के साथ घरेलू ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हमारी दुआ है कि वो जहां कहीं भी हैं खुश रहें। अब आते हैं आलिया पर पिक्चराइज गानों की एक लंबी लाइन है। चंद मशहूर गानों का जिक्र करते हैं। एक गाना था आलिया का फिल्म दी रानी का, जो हमारे उस वक़्त के सदर जनरल यहिया खान को बहुत पसंद था और उन्होंने रात 2:30 बजे के करीब हुक्म दिया कि ये गाना, ये कैसेट लेकर आओ, मैंने ये गाना सुनना है। मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जा के शिकायत लावांगी। फिर एक इसी फिल्म का एक गाना था पुट्ठे सीधे बोधे वाके शहरी बाबू रंग दा सीधी साधी कुड़ी दा दिल मंगदा, ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ। पतली चमक जई मुटियार मेरे हानियाँ, ये भी दीरन का गाना था। सही मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मनु हीर बनावन आ गया। वही के साथ ये मस्ताना माई फिल्म का, ये भी बहुत बड़ा गाना था। दिल कमला कुछ सज्जन कमला कुछ कुछ मैं शुदा, ये भी सज्जन कमला फिल्म का आलिया और वहीद मुराद का गाना था। मैं पल पल तेनू प्यार करा तू कदम कदम ठुकराना है, ये भी बहुत बड़ा गाना था आलिया पर पिक्चराइज हुआ। तेरे प्यार बुलाई वे बाबुआ इक परदेसन, ये भी आलिया का बड़ा मशहूर गाना है। सज्जन मुल पुछिया प्यार दा मैं कमली हुई, फिल्म पुत्र दा प्यार का अकबाल साथ होते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पसंद किया गया ये गाना अपने दौर में। पागल ने वो जेले सच्चा प्यार के दे रल कर देने, ये यार दे पंजाब की फिल्म का गाना था। फिर सैया मैं तेरी नौकरा गैरत कानून में, ये यूसुफ खान के साथ गाना होता है। मैं ते प्यार दिलों से कीता भावें दिल ने थोड़े, तोड़ के दिल नू टुर चले हैं जिवें घुगू घोड़े, ये भी गैरत कानून फिल्म का ये गाना था। हाय हाय लोको चोर दे ए बिल्ला मेरा चोर दे आंसू मेरा चोर दे, ये आंसू बिल्ला का गाना था। मुक गए ने हंजू नहीं हो मुक दी अडीक वे, वैरिया ना हुई तेनू आन दी तुफीक वे, ये भी आंसू बिल्ला का गाना था। माइया जे मैं कबूतरी होवा तेरे पीछे पीछे उड़दी आवा, जड़ी छावें आंग बवें उस रुख ते आल ना पावा। इश्क मेरा नाम का ये गीत आलिया पर देखने वाला गीत है। फिर तेरे प्यारा में मेरी तकदीर सोने, ये भी इश्क मेरा नाम का गाना है। मैकमिक फिल्म थी था। हाय 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 मेरे साथ तिखे हुए, ये फिल्म इंसान के तमाशा का ये गीत, नए हीरो साथ होते हैं। दो दिल एक मित हो जाएंगे, ये भी अलीबा पिक्चर। वे बेकदरे मर्दो चंगियां कदरां प्यार दियां पांदे हो, असी मिलन ले तरस दे रहंदे तुसी मिलन नहीं आंदे हो, जंगू फिल्म का ये नूर जहाँ के बाद में, ये भी बहुत बड़ा गाना है। अज दिल विच वजन ठुमके फिल्म देश मेरा जिदारा का, ये बड़ा तेज फास्ट गाना नसीम बेगम की आवाज़ में था। फिर एक फिल्म माँ सत्य का गाना था, यूसुफ का साथ होते हैं। जब सज्जन सामने आन पजेबा छनक दिया, बहुत कमाल डांस किया ककरा आलिया ने पहना होता है। फिर गाना था कुंडलों के वालों वाले तेरे नाल प्यार पालिया, फिल्म गैरत का ये गाना सुल्तान ही साथ होते हैं। तू मेरा बेली मैं तेरी सजना, राज राज नचा कि मैं नहीं हूँ थकना, टैक्सी ड्राइवर का ये गाना था। फिर लोगो जवानी बड़ा तंग कर दी, एक थी पंजाब दे का ये गाना आलिया पर पिक्चराइज हुआ। फिर तू मिले कदी कदी सबब की ये, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, फिल्म इंतकाम का ये गाना था। मैं अल्लड़ पंजाब दी माइया गबरू पाकिस्तान दा, फिल्म राबदी शान का ये गीत था। जिमें अज चलिया तू दिल मेरा तोड़ के, इस तरह के लोग वे खिडौने भी नहीं तोड़ते, नाजो का ये गाना बहुत चला। आलिया आजाद ने सेहरे बांधे होते हैं और आलिया पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। हाय नी कंडा चुभ गया आसिया के साथ आलिया का, ये फिल्म गुलाम का गाना देखने वाला है। तू भी चला वे मैं भी चली, गुलाम फिल्म का गाना है। तेरा बाबल सदके तेरे तेरा चानन वेड़े वेड़े, नी करमा वालिए नी भागा वालिए, बाबल सदके तेरे फिल्म का ये गीत था।
एक दफ़ा आलिया पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा सुल्तान अली पर। बहरहाल बहुत बड़ा गीत था, मैदी हसन नूर जाने से गाया। चंद चंद के सामने आ गया मैं दुआ तो सदके जावा सोनियो ईद मुबारक, ये भी पगड़ी समाज का गाना फरदौस और आलिया पर पिक्चराइज हुआ, बहुत पसंद किया गया, आज भी पसंद किया जाता है। पिंड मापिया का पानिया पानिया धमाल मैं मैनू डिग डिग नू संभाल कुड़िए, ये भी बदला फिल्म का गाना सलोनी साथ होती हैं। वे सोने वे तेनू की बनिया मां सदके के गाना, स्टूडियो के बाहर लोग जमा होते हैं, बहुत अच्छा गाना है। अद्धी रातों टल गई बई रात वे बई माना तू हाली तक जागना, चांजर अज कुछ कह दिए, खांजा ते फिल्म के ये गीत थे, बहुत शानदार गीत थे। पंजाबन ठेठ माइया महीना जेठ माइया पानी आ गया पुलों के हेठ माइया, फिल्म बुढ़ा शेर का ये गाना एक दफ़ा रजनीवा पिक्चर एक दफ़ा आलिया पर, जूड़ा खोल के हवाज मैं कहाँ खोल के सस्सी पुन्नू का, ये भी गाना आलिया पर पिक्चर माला की आवाज़ में कमाल गीत था। ये मेरे दिल की तक तक बड़ा शोर पावे खूनी फिल्म का ये गाना कोसनवा गाना है, ये भी बहुत अच्छा गाना है। उठवे मना तेनू नाच नचावा दुनिया पैसे का ये गीत भी बड़ा पसंद किया गया। एक बारी हंस के तक माइया मैं वंडा बड़ा, ये भी फिल्म का बहुत बड़ा गाना था। ये भी बड़े तिखे मजाज सोने यार दे आलिया पर बेशुमार गीत पिक्चराइज हुए, वक्त कम है इतने ही गाने मैं बता सकता हूँ। बहरहाल आइंदा हफ्ते नए स्टार के साथ हाजिर होंगे, खुदा हाफिज़।